नमस्कार स्प्रिंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मंटू बाबू पर। तो आज इस सेशन में बातचीत करेंगे कि जो 11 जुलाई सन 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है उसके बारे में। तो आपको इसमें कुछ हमें जानकारी देनी है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के बारे में विशेष थीम क्या है, जनसंख्या के क्या बेनिफिट हैं और जनसंख्या से हमें कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, और जो भारत में या अन्य जगह महान व्यक्ति हैं जो अच्छे क्या हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने जनसंख्या के बारे में क्या कहा है। तो देखिएगा कि विश्व जनसंख्या 2021 के बारे में हम अपन लोग देख रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये जो होता है एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो कि हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि हाँ थोड़ी बहुत कैसे भी कैसे करके जागरूकता बढ़ जाए। अगर जागरूकता नहीं होगी तो क्या है कि लोग इससे इसके क्या कमियां होंगी इससे और क्या हमें बेनिफिट या लाभ होंगे इसके बारे में लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसके बारे में प्रसिद्ध हस्तियों के कुछ दिलचस्प उदाहरणों का संग्रह मैंने किया हुआ है जिसे आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। तो देखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 2021, जैसे कि ये जो इमेज आप लोग इस समय देख रहे हैं तो इस इमेज में ही काफ़ी कुछ चीज़ें गिवन हैं। तो देखिएगा इतनी क्या है, जो बस्ती है बिल्कुल पास पास ऊपर नीचे पास पास इतने मकान बने हैं, ये सब जनसंख्या वृद्धि को ही दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि को ही यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो कहने का मतलब आने वाले समय में अगर ये से ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो तो सीमित है और जो भी हमारे पास संसाधन है वो तो सीमित ही हैं, जो भूमि है, जो पूरी ज़मीन है वो भी सीमित ही है। लेकिन हम लोग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, कहने का मतलब वो भी चीज़ें हैं लेकिन हाँ हमारे जो संसाधन है वो सीमित हैं। देखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को अधिक जनसंख्या की समस्याओं को उजागर करने और पर्यावरण और विकास पर अधिक जनसंख्या के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि जो जनसंख्या की समस्याएं हैं उस पर क्या है कैसे भी करके जागरूकता फैले और लोग अधिक जागरूक हों, ठीक है, इसीलिए ये मनाया जाता है। तो कब 11 जुलाई को मनाया जाता है ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए पर्यावरण जो होता है हमारा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है हमारा पर्यावरण दूषित होता है क्योंकि उसके लिए रोड बनेंगी तो जंगल काटे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या है भोजन पकेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। तो जितने भी विकास होते हैं सब पर्यावरण को दूषित करके ही होते हैं और इसका जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर संसाधन बहुत कम हो जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, जानकारी दी गई है, आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए पिछले कुछ दशकों में विश्व जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, लगभग 20-30 या 40 वर्ष, तो बहुत सही बात है, और निरंतर जनसंख्या वृद्धि कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, इस प्रकार परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, ठीक है, यानी क्या है लैंगिक समानता नहीं होगी, यानी समान होना चाहिए, ठीक है, गरीबी बढ़ेगी, मातृ स्वास्थ्य मतलब जो माता होगी उसके स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ेगा यदि ज़्यादा जनसंख्या होगी, और मानवाधिकार जैसे विभिन्न जनसंख्या मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए मानवाधिकार या मानवाधिकार जो होता है ये किताबों में हम लोग बहुत न्यूज़पेपर में किताब में पढ़ता हमें अच्छे लगता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों का जब तक जनसंख्या अगर हमारी बहुत ज़्यादा रहेगी तो फिर हम क्या है मानवाधिकार चीज़ें खाली सुनते रहेंगे लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाएगा, ठीक है, मानव के क्या अधिकार हैं, तो यदि वो क्या है अपने अधिकार कभी ले नहीं पाएगा। पिछले कुछ दशकों में विश्व जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है और निरंतर जनसंख्या वृद्धि कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, इस प्रकार परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार जैसे विभिन्न जनसंख्या मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ताकि क्या है लोग जानकारी ले पाएँ, किसके बारे में जानकारी ले पाएँ, जैसे कि परिवार नियोजन,
लैंगिक असमानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अब देखिए इसका इतिहास क्या रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का। तो ये जो हम लोग इस बार मना रहे हैं, लेकिन हाँ ये कब से क्या शुरू हुआ, पहली बार कब मनाया गया, ये सब चीज़ें अपन लोग देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सन 1989 को मनाया गया था। कब? 11 जुलाई 1989 को। और सन 2020 में ये 31वां और सन 2021 में ये 32वां जनसंख्या दिवस मनाया गया है। कितना? 32वां। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 32 नंबर। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। ये 5 अरब दिवस में जनहित से प्रेरित था। जिस तारीख को दुनिया की आबादी 11 जुलाई 1987 को 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। 5 अरब जनसंख्या हो गई थी 11 जुलाई 1987 में। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के थीम क्या है। देखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2021 थीम जो है इसकी वो हर साल चेंज होती रहती है। थीम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के लिए एक विशिष्ट विषय होता है और ये बदलती रहती है। तो महामारी के बीच विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का विषय है अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। ठीक है, अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। चाहे बच्चे में उछाल हो या हलचल, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, प्रजनन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और सभी लोगों के अधिकार हैं। तो ये इसकी थीम थी विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के बारे में। और देख लेते हैं डेटा थोड़ा। अब देखिए ये जो है इसके बारे में क्या है, हर साल विभिन्न इस दिन क्या होता है कि विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और स्कूल कॉलेजों में इस पर चर्चा की जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं और आबादी के मुद्दे पर बातचीत की जाती है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब देखिए APJ अब्दुल कलाम जो कि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है ये देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, दुनिया की आधी आबादी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज़्यादातर गरीबी की स्थिति में है। मानव विकास में इस तरह की असमानता, अशांति और दुनिया के कुछ हिस्सों में हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक रही है। यानी इनका मतलब ये है कि जैसे जैसे गरीबी अगर ज़्यादा होगी, ये कब होगी ज़्यादा, जब आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, और इसके ज़्यादा होने से क्या होगा कि असमानता होगी और अशांति होगी और हिंसा बढ़ेगी। हिंसा मतलब मारपीट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक और क्वेट देख लीजिएगा, फिलिप नजगुना, ठीक है, इनका ये क्वेट है कि जब परिवार छोटा होता है तो उनके पास जो कुछ भी होता है वे साझा करने में सक्षम होते हैं, शांति होती है। जब परिवार छोटा होता है तो क्या है, सब चीज़ें साझा कर लेंगे, शांति होगी। और इसके अपोजिट भी हो सकता है, जब परिवार बड़ा होगा तो चीज़ें साझा नहीं की जा सकती, ठीक है, और फिर शांति ना होके क्या हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। तो इतना सारा ये डेटा था। अब देखिए इस पर अगर हम अपने व्यू दें जनसंख्या दिवस पे, तो देखिए काफ़ी लोग मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप हैं, भगवान ने उनको दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन देखिए ये थिंकिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रही है, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश बना हुआ है। विकासशील का मतलब लगातार विकास कर रहा है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को काबिल बनाने के लिए जो संसाधन या जो टाइम या जो हमें चाहिए, ठीक है, रुपये पैसा, वो सब चीज़ें क्या है, नॉर्मली ऐसे सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो वो जो संख्या होती है वो फिर अपना जो क्या होता है, सामान्य जीवन स्तर नहीं जीवन यापन कर पाती है। अब जो सामान्य जीवन स्तर नहीं यापन कर पाएगी तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ गलत करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, सरकार को
इंटरफेयर करना होता है और नॉर्मल व्यक्ति को भी उससे दिक्कत होती है। कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है, यदि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें बेनिफिट है, क्योंकि हमें जब हमारी ज़्यादा एज होगी तो हमें सब में से कुछ ना कुछ सभी बेनिफिट देंगे या कुछ ना कुछ हमें फाइनेंशियली सब मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, आप अपने पास पड़ोस देखिएगा कि ऐसे दो तीन इंसान के कंपैरिजन करिएगा अपने पास पड़ोस, जिसके कम बच्चे हैं और किसी के ज़्यादा बच्चे हैं, फिर उनका थोड़ा जो है कि डीप में अध्ययन करिएगा कि ज़्यादा सुख में जीवन किसका है, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं वो ज़्यादा सुख में जीवन है या फिर जिसके कम बच्चे हैं वो ज़्यादा सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आप इसे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने जितना भी अभी तक मतलब इसके बारे में डीप थिंकिंग की, हमें ऐसा ही लगा है कि जिसके कम बच्चे हैं उसकी जो लाइफ है वो आनंददायक ज़्यादा है। ठीक है, और भी इस पर कई गहन अध्ययन हो सकते हैं, वो अपन लोग किसी अन्य सेशन में बातचीत करते रहेंगे। और अगर हम बात करें इसे अगर थोड़ा अध्यात्म से जोड़ेंगे तो फिर आप लोग अभी सुनेंगे तो फिर मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, आप लोगों को बताएगा कमेंट सेक्शन में यदि इसका डीप मीनिंग जानना चाहते हैं। तो कहने का मतलब, जनसंख्या पे कानून बनने भी जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर सोच रही है, हो सकता है 11 जुलाई को 2021 को बिल्कुल पेश कर दे उत्तर प्रदेश सरकार। और योगी आदित्यनाथ अपने कड़े डिसीजन लेने में बहुत ही माहिर हैं, यदि अन्य कोई गवर्नमेंट होती तो बिल्कुल ना कर पाती, तो चांसेस हैं कि हाँ बेहतर कुछ होगा। अब देखिए थोड़ा और डीप अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा बस, कि यदि जनसंख्या किसी भी, मेरे कहने का मतलब किसी भी परिवार में जितने भी बच्चे हैं कुछ भी है, ठीक है, उनको नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए आज के दिन पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो पहले तो वो पहले अपना अध्ययन करेगा, स्टडी पढ़ाई करेगा नियर अबाउट 20 से 25 साल तक, जब उसकी एज 20 से 25 साल हो जाएगी उसके बाद ही आप उससे कुछ अच्छा करवाने के लिए सोच सकते हैं। अगर उससे पहले सोचेंगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि विदाउट स्टडी विदाउट अध्ययन, ठीक है, कुछ अच्छा या महान नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत कम हैं। यदि बच्चे को आप कक्षा 8 तक ही पढ़ाएंगे उसके बाद कहेंगे भैया कुछ व्यापार कर लो बिजनेस कर लो, हो सकता है वो कर ले, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आज के दिन पर, क्योंकि आज के दिन पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो हाई लेवल चेंजेस हैं, पूरे पूरे 10-5 साल में पूरा दुनिया बदल जाती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले वही एक चीज़ चलती थी कि अपना वही सुबह क्या है जानवर को खिलाओ, उससे दूर निकाल लो और खेत पे जाओ, बस यही हमारे बाबा पर बाबा लोग करते आ रहे थे कंटिन्यू। उसके बाद सडन जो चेंजेस हो गया है, ये हमारा सब लोग अपनी शॉप वगैरह खोलने लगे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 वर्ष पहले सबकी दुकानें चलने लगी, अब उसके बाद ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ठीक है, ऑनलाइन तो अब जो दुकानदारी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, लोग क्या सीधे ऑनलाइन अपना क्या है मंगा लेते हैं, कुछ भी सामान मंगाना होता है तो इसमें जो दुकानदार था उसकी तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस कम हुई है, साथ में उस दुकानदार के साथ और भी जो लोग जुड़े हुए थे मॉल डिलीवर करते थे उनको माल देते थे उनको भी यहाँ पे क्या है दिक्कत हुई है। तो कहने का मतलब आगे 10-20 सालों के बाद क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो जो बच्चा होगा अगर वो ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर वो थिंकिंग रखेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा बेहतर तरीके से, अनथक कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल मिंटू बाबू के साथ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।